गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम लेसन टू से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसके आपको एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। तीन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी दो आप अपने आप करेंगे। जैसे फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसमें हमें उन ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने जो जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनको हम नेकेड आई से, आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरस आप लिख सकते हैं। बाकी दो एग्जाम्पल्स आप अपने आप करेंगे। सेकेंड है स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में एनिमल प्लांट्स दोनों आते हैं। एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं, प्लांट्स के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म यानी जिनका साइज छोटा होता है, इसमें आप कुछ प्लांट्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे तुलसी हो गया, और एनिमल्स में डॉग, कैट, कैट आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बिग साइज ऑर्गेनिज्म। बिग साइज यानी वो ऑर्गेनिज्म हमें लिखने जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इस ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो बिग साइज में आप यहाँ एलिफेंट लिख सकते हैं, एलिफेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी दो एग्जांपल्स आप अपने आप करेंगे। ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। फोर्थ है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, जो प्लांट्स या प्लांट फूड जो खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं। तो इसमें आप तीन एग्जांपल्स, तीन नाम आपको लिखने हैं, एग्जांपल लिखने हैं। इसमें जैसे काउ आप लिख सकते हो, काउ क्या हार्बीवोर्स है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मांस खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लॉयन। बाकी दो एग्जाम्पल्स आप अपने आप से करेंगे। ओमनीवोर्स वो हैं जो, ओमनीवोर्स वो एनिमल्स है जो प्लांट्स और फ्लैश यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स कहेंगे। तो इसमें आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें डॉग लिख सकते हैं, डॉग ओमनीवोर्स है, ये बिस्किट, मिल्क ये भी खाता है, और ये ठीक है मीट भी खाता है। सेवन्थ एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स वो हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, उनको हम एरियल एनिमल्स कहेंगे। इसमें बर्ड्स आप लिख सकते हैं, बाकी एग्जांपल आप बुक से देख के भी कर सकते हैं। एट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है, एम्फीबियंस वो एनिमल्स है जो लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी, उनको हम एम्फीबियंस कहेंगे। इसका एक फेमस एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है ये। नाइन्थ आप देख सकते, नाइन्थ क्या है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है वाटर, फाइट्स का मीनिंग होता है प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोफाइट्स का फेमस एग्जांपल लोटस। बाकी दो एग्जांपल आप अपने आप से लिखेंगे। टेंथ है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, यहाँ पर प्लांट्स की बात की गई है, यहाँ पे एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें फेमस एग्जांपल जैसे ऑक्टोपस आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी दो एग्जांपल्स आप अपने आप से लिखेंगे। ये आपको एक्टिविटी अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने हैं। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, बाकी दो एग्जांपल्स आप अपने आप से करेंगे, ओके।